एक बच्चे ने जेई एडवांस स्कूल के साथ कवर कर लिया। आपके घर में कोई आईटी किया हुआ है पहले? नहीं सर, पहला पर्सन है जो एनआईटी या फिर आईआईटी किसी में भी जा रहा है। अरे भाई, सुन के मजा आ रहा है कि एक बच्चा 12th के साथ आईआईटी कर लेता है और पूरे घर में अकेला। डिपेंडेंट प्योरली पीडब्ल्यू पे। अच्छा, प्योर ऑनलाइन? यस सर, इंस्टा और फेसबुक ही नहीं मेरे पास, सिर्फ एक यूट्यूब था, तो यूट्यूब भी मैं बहुत ज्यादा चलाता नहीं था। उनकी क्लास, हाँ सर, उनसे सर कभी क्लास बोरिंग नहीं लगती थी। हाँ सर, मसल मैन सर, कंसंट्रेशन सर बहुत सही, और भटकना नहीं चाहिए सर। जैसे मैंने सिर्फ पीडब्ल्यू पे डिपेंडेंट रहा, कहीं और जाने की कोशिश नहीं की, जो लेक्चर्स आए वही किए, उसके अलावा कुछ और करने की ज्यादा कोशिश नहीं करी सर, एक फ्लो में चलते रहना है बस। शुभांकर, हाँ सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, दिल से बहुत बहुत बधाई कि द लाइक द मार्क्स यू आर गेटिंग इन द जेई एडवांस, सो दैट इज लिटरली अ बिग अचीवमेंट। 160 प्लस मार्क्स लाना एडवांस में अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है ना? Yes, बहुत सर। सो लाइक अपनी जर्नी के बारे में बताओ, पहले तो ये बताओ कि आप पीडब्ल्यू में लाइक आप प्योर ऑनलाइन थे या कहीं आपने ऑफलाइन भी ज्वाइन किया था? नहीं सर, प्योरली ऑनलाइन सर, कहीं ऑफलाइन नहीं था, प्योरली ऑनलाइन, डिपेंडेंट प्योरली पीडब्ल्यू पे। अच्छा, प्योर ऑनलाइन? यस सर। बहुत बहुत बढ़िया। तो आप 11th से ही पूरा अर्जुना कौन सा बेस ले रखा था आपने? सर अर्जुना 1.2 था 11th में, फिर लक्ष्य 1.2 था 12th में, उसके बाद वरुण बैच था। बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। मतलब आपने अच्छा 12th के साथ किया आपने, तो आपने अपने बोर्ड्स के एग्जाम भी दिए हैं। सो आपने बोर्ड्स के साथ, अच्छा स्कूल डमी था या रेगुलर था? सर रेगुलर स्कूल था सर, डेली जाना था। रेगुलर स्कूल था? हाँ सर, 6 दिन स्कूल जाना है और होमवर्क भी डेली डेली का देना ही देना है। अच्छा, तो स्कूल के साथ इतने मार्क्स ले आए? यस सर। अच्छा, स्कूल को और आपने कोचिंग को पीडब्ल्यू को कैसे मैनेज किया आपने, कैसे करते थे टाइमिंग? क्योंकि ना ये बहुत कॉमन क्वेरी है, क्योंकि पता है मैक्सिमम बच्चा जो हमारा लक्ष्य में है और जो है वो ये सोचता है कि स्कूल के साथ मैं कैसे तैयारी करूंगा, मैं कैसे एडवांस तैयारी कर सकता हूँ। सर जब स्कूल खुले जो है कोरोना के बाद, सर बहुत बड़ा इशू था कि सर सुबह जाना, सर 6 से 7 घंटा स्कूल में ऑक्यूपाई हो जाता है। तो सर मैंने कहा कि सुबह 6 बजे उठता था और सारा नहा धोना करके 7:30 बजे तक स्कूल चला जाता था। 2 अच्छा। से 2:30 बजे तक मैं 2:30 बजे से 3 बजे तक घर पहुंचता था और खाना खा के 3:30 बजे से क्लास करने बैठ जाता था। पहले कुछ रिविजन कर लेता और फिर 4 बजे से क्लासेस करने लग जाता था, और सर रात के 7 बजे तक क्लासेस कंप्लीट कर लेता था या 8 बजे तक, जैसी क्लासेस थी लंबी या छोटी जिस हिसाब से। 8 से 9 बजे तक मैं खाना खाता था, मतलब आधा घंटा खाना और आधे से 1 घंटा रिवीजन करता था फुल्ली कंसंट्रेट होके। 10 बजे तक रिवीजन कंप्लीट हो जाता था और 10 से लेकर 1 या 1:30 तक क्वेश्चन प्रैक्टिस, चाहे डीपीपी हुई, चाहे मॉड्यूल या स्कूल का होमवर्क, किसी तरीके से कुछ भी जो है उस समय कंप्लीट करना रहता था। अगर स्कूल का ज्यादा हुआ तो स्कूल का कंप्लीट करना था, और अगर स्कूल का कम है तो ज्यादा ज्यादा फोकस पीडब्ल्यू के होमवर्क पे करता था। बहुत सही है, बहुत सही। मतलब मैं भी सोच पा रहा हूँ, मेरे लिए एक बड़ा ये पॉइंट है कि यार एक बच्चे ने जेई एडवांस स्कूल के साथ कवर कर लिया, दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। बहुत ही शानदार यार, बहुत ही शानदार। तो ऑनलाइन ऐसा ही किया, ऑनलाइन जो लाइक बीमारी है बैकलॉग की, ये सर थोड़ी बहुत बनी क्योंकि जैसे घर में शादी वगैरह रहती थी तब वहां नहीं हो पाता था क्लास, तो उधर बनी। वैसे उसके अलावा मैंने कभी बनने नहीं दी, उधर बनी तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करी। मतलब क्लासेस पूरी टाइम पे की आपने? नहीं, हाँ सर टाइम पे। बहुत बहुत सही। मतलब अल्टीमेटली अगर बच्चा अगर डिसाइड कर ही ले कि मुझे एडवांस करना ही है और मैं क्लासेस पूरा करूँ, और अब मैं तो ये सोचता हूँ स्कूल नहीं होता ना तो आप, मुझे लगता है कि कहाँ होते, क्योंकि ना आपको प्रैक्टिस का और ज्यादा टाइम मिलता और ज्यादा आप उस पे कॉन्सेंट्रेट कर पाते। लेकिन बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा, लिटरली सुन के मजा आ रहा है। तो घर वालों को सबको बताया कि मैं आईआईटी जा रहा हूँ? हाँ सर बताया है सर, बहुत लोग खुश भी हैं सर, थोड़ी सी निराशा भी, क्योंकि सर अभी भी मैं सर 200 प्लस क्रॉस कर सकता था सर, थोड़ी पेपर में प्रेशर की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया। देखो वो प्रेशर तो हमेशा एग्जाम में रहता ही। मैं बोल दूं पेपर बहुत आसान था, कुछ आसान लगता ही नहीं पेपर में, ऐसा लगता है कि भाई साहब कुछ नहीं होने वाला, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है ना, ऐसा हुआ होगा ना? यस सर, है ना। तब भी मतलब मैं फील कर पाता हूँ, क्योंकि देखो अपन ने आईआईटी दी है ना, अपन इधर को फील कर पाते हैं कि अगर आते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि अरे यार होगा कि नहीं होगा, क्या हो रहा होगा, समझ रहे, प्रेशर अलग ही टाइप का होता है। यस सर,
नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप आईआईटी जा रहे हैं आज, मतलब आपके घर में कोई आईआईटी किया हुआ है पहले? नहीं सर, पहला पर्सन है जो एनआईटी या फिर आईआईटी किसी में भी जा रहा है। अरे भाई बहुत बहुत बड़ा, लिटरली उनको तो लग रहा होगा ना आईआईटी जा रहा हमारा बच्चा है। हाँ सर ये है। बहुत बढ़िया शानदार, मतलब देख के सुन के मजा आ रहा है कि एक बच्चा 12th के साथ आईआईटी कर लेता है और पूरे घर में अकेला। मतलब तो आपको ऑनलाइन जैसे कभी ऑफलाइन का मन नहीं हुआ कहीं? ऑफलाइन आपने ऑफलाइन कहीं कोचिंग की ऐसा कुछ नहीं? नहीं सर, ना सर कहीं नहीं, प्योर प्योर पीडब्ल्यू। हाँ सर। गजब, बहुत शानदार। मतलब कभी ऐसा बोला नहीं घर वालों ने कि बेटा जाके आ रहा है यहाँ ज्वाइन कर ले, बहुत बड़ी कोचिंग है यहाँ ज्वाइन कर ले? सर स्टार्टिंग में चाचा ने कहा था कि एक आध महीना देख लो इनको पीडब्ल्यू में, और अगर कभी गड़बड़ हो तो आसपास कहीं ज्वाइन कर लेना। तो मुझे एक आध महीना कहीं कुछ गड़बड़ लगी नहीं, उन्होंने पूछा कि कहीं और जाना है, मैंने कहा अभी तो कोई दिक्कत है नहीं, आगे देखेंगे। दिक्कत कभी आई नहीं, आगे देखना नहीं पड़ा। बहुत बढ़िया है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे क्या किया? सर ऑर्गेनिक सर पहले अर्जुन और लक्की सर किया, सर ठीक थी सर, बहुत बेहतर नहीं थी मेरी। अच्छा। सर अब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मेरी गलती या सर बहुत सारे हो सकते हैं उसमें कोई बहुत, क्योंकि ना कई बार हम स्कूल के साथ इतना काम करना पड़ता है कि हमें समझ नहीं आता। तो फिर हमने तो उसके बाद जब जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा हो गया, उसके बाद जब मैंने क्या नाम है एडवांस की तरफ फोकस किया तो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आई, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो मैं सोचा एक बार मंजिल एजेंट्स देख के कोशिश करते हैं, उस समय तो आपको जानता नहीं था। मैंने मंजिल एजेंट्स का जीओसी वाला लेक्चर देखा सर, मुझे जो है बहुत अच्छा, 6 घंटे में सर मुझे सारे डाउट्स लगभग कंप्लीट हो गए। तो फिर मैंने मंजिल एजेंट्स थोड़े से किए, फिर जब वरुण में आपके लेक्चर स्टार्ट हुए तो सर पहले तो सर एकदम ही हालत खराब हो गई, पहले 2 लेक्चर्स में तो लगा ही नहीं था कि ऑर्गेनिक हो भी पाएगी, तो फिर लगा कि मंजिल एजेंट से भी नहीं हो पाएगा। तो फिर सोचा कि खजाना से आपके लेक्चर्स निकालने पड़ेंगे, तो वहां से निकाले और सारे लेक्चर्स आपके किए, साथ में वरुण भी किया, फिजिक्स के लेक्चर भी करने थे, मैथ्स के लेक्चर भी करने थे, और बोर्ड्स को से जो बैकलॉग था वो भी कंप्लीट करना था। मतलब खजाना ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है जीवन में। हाँ सर बहुत ज्यादा। हाँ सर ओसी तो बहुत ज्यादा, बहुत शानदार लिटरली सर। पूरे सर पूरे एडवांस के पेपर सिर्फ एक ओसी लगी जो सर हल्की लग रही थी सर, इतनी आसान थी सर। मुझे तो लगता है कि अपन ने इतना कर लिया था ना कि अब लगता है कि ओसी ओसी भाई पूछ लो, तुमको जो पूछना पूछ लो। हाँ सर। नहीं नहीं बहुत बढ़िया यार, लिटरली मैं खुद इस बात को बहुत तगड़ा फील कर पा रहा हूँ कि एक बच्चा बोर्ड्स के साथ वो करता है, फिर वो वापस लेक्चर देखता है, वापस मेहनत करता है। एक मतलब है ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम मतलब अब मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर तू मतलब एडवांस की तैयारी करे, मतलब मैं तो बच्चों को ये सजेस्ट करता हूँ कि एडवांस की तैयारी स्टार्टिंग से करो, तो क्या होता है ना बाद में दिक्कत ही नहीं आती। बाद में ऐसा लगता है कि भाई यार पूछ लो जो पूछना पूछ लो, वो लिया नहीं। बहुत सही है सर, मजा आ गया। मतलब मेरे को एक फील आ रही है इस बात की, बहुत लाइक इट्स अ वेरी बिग एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा बच्चों में, जो बच्चे स्कूल के साथ आईआईटी करना चाह रहे हैं उनके लिए यार लाइक हाँ यार ये हम कर सकते हैं। बहुत शानदार यार, बहुत शानदार। और ऐसी कोई बात अपनी जर्नी, पेरेंट्स का सपोर्ट पूरा रहा? हाँ सर पूरा रहा, अगर नंबर कम भी आते तो कुछ कहना नहीं था कि चलो अगले वाले में इंप्रूव कर लेना। ये बहुत बढ़िया बात है, ये मुझे सारे पेरेंट्स को बोलेंगे, हाँ बच्चों को मोटिवेट करें कि हम जीवन में अच्छा कर सकते हैं। नहीं सर। और बाकी ऑनलाइन को डिस्ट्रैक्शन हुए? सर डिस्ट्रैक्शन के बहुत ज्यादा चीजें थी नहीं, एक ज्यादा यूट्यूब और व्हाट्सएप। सर व्हाट्सएप पे तो कुछ होता नहीं है खास, इंस्टा और फेसबुक थी नहीं मेरे पास, सिर्फ एक यूट्यूब था, तो यूट्यूब भी मैं बहुत ज्यादा चलाता नहीं था। रील देखना है सर? नहीं सर अभी हो गया, पेपर के बाद इसका एडिक्शन हो गया, पहले नहीं था। तो अच्छा हुआ नहीं तो नहीं, बहुत सही। तो ऑनलाइन मतलब आपने मतलब बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कभी हुआ ही नहीं कि आप अपना काम करते रहते? हाँ सर। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चा होमवर्क क्लासेस प्रॉपरली करे तो उसको उसका इतना टाइम होता भी नहीं कि वो यूट्यूब चलाए या रील देखे। नहीं सर बहुत कम टाइम लग रहा था, टाइम बहुत कम लग रहा था। नहीं नहीं बहुत बढ़िया। तो एडवांस के लिए हम केवल एनसीईआरटी पढ़ के जाएं तो काम हो जाएगा क्या? नहीं ना। नहीं सर तो आप तो नोट्स पढ़ के जाएंगे तो हो जाएगा। नोट्स मतलब एक तो ना कि एनसीईआरटी कर लो हो गया, ऐसा नहीं होता मेरे साथ तो नहीं होता। नहीं सर आपका नहीं होता? नहीं सर कुछ चीजें हो सकती है लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, मुझे लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना अच्छा एडवांस के पेपर में एक बात होता है कि केमिस्ट्री कैन बी सेवियर, अगर केमिस्ट्री अगर
लाइक अगर केमिस्ट्री आती है IOC PCOC तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता जाए। हाँ सर बहुत सही। फिजिक्स और अपनी कोई जर्नी में आपके लिए कि सर मुझे ना फिजिक्स में सर से मजा आ गया। हाँ सर आरजे सर से सर बहुत मजा आता था पढ़ने में सर, उनकी क्लास। हाँ सर उनसे सर कभी क्लास बोरिंग नहीं लगती थी। हाँ सर मसल मैन शानदार ग्रेट ग्रेट सर एकदम कभी क्लास बोरिंग नहीं लगी सर एक भी बार नहीं। एक्चुअली हम भी फैन है राजन सर के, हम तगड़े फैन है। नहीं बढ़िया बढ़िया यार, मतलब आपके ओवरऑल जर्नी इट्स लाइक वेरी गुड। आप इतना पा रहे हैं मुझे बहुत मजा आ रहा है कि देख के आज मैं ऐसे बच्चे का इंटरव्यू ले रहा हूँ जिसने स्कूल के साथ कोचिंग की, पीडब्ल्यू ऑनलाइन किया और होमवर्क किया, बराबर काम किया और इतने नंबर ले आया। बहुत बढ़िया यार, लिटरली आई फील वेरी गुड कि यार एक बच्चा इतना कर पाया। अच्छा आपका शेड्यूल जो था जैसे आपने बताया कि स्कूल के साथ तो ये था, जब स्कूल वाला पार्ट खत्म हुआ तो फिर आपने बोर्ड्स के टाइम पे कैसे क्या मैनेज किया? बोर्ड्स के टाइम पे सर जो है सर एक तो प्रेशर था कि बोर्ड्स भी अच्छा करना है, 75% का मार्जिन डर लगता है देख के। बिल्कुल सर, तो मैंने कहा कि सर दिन में सुबह 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक कोशिश करता था कि इतने टाइम तक मैं किसी तरह से बोर्ड पढ़ लूँ, चाहे जितना भी है सब कुछ। लिखने की प्रैक्टिस में सर लिखने की प्रैक्टिस में बहुत दिक्कत होता था, स्कूल सर जाते थे लेकिन उतना इफिशियंसी स्कूल के भी नहीं रहती थी, उसका भी काम खुद से ही करना पड़ता था, लिखने की प्रैक्टिस सब कुछ करना, तो सर वो भी करना रहता था। और फिर 6 बजे से लेकर 12 बजे तक कोशिश करते थे रात को कि वरुण के क्लासेस कर लें, चाहे फिजिक्स कर लें चाहे मैथ्स कर लें। बहुत बढ़िया यार, ये मतलब कहीं ना कहीं इंस्पिरेशनल है यार, मजा आ गया सुन के यार, एक बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है इतना काम हो रहा है, बहुत बढ़िया यार। लिटरली शुभांकर बहुत मजा आया लेकिन देख करके यार आप इतना अच्छा जीवन में कर पा रहे हैं अभी तो, मतलब अब क्या आगे का क्या है, क्या सर ये जीवन में ये करना ही करना है आपने को? हाँ सर कुछ अच्छा तो करना है सर, मेरा दिमाग मैं सोच रहा था कि IIT करने के बाद सर कुछ स्टार्टअप्स खोलो, इनोवेशन की तरफ जाऊं थोड़ा। बहुत सही। और हाँ सर, और सर इसको करने के बाद जैसे सर शुरू से ही सर सुनते आया हूँ IAS तो IAS की तरफ भी जाना चाहूंगा, अगर स्टार्टअप हो गया तो घर को बागडोर दे दूंगा कि आप ये करिए, अब मैं अब UPSC की तरफ जाना चाहूंगा। अच्छा नहीं बढ़िया, बहुत बहुत मतलब मैं शुभकामना मेरी तरफ से कि आप करें और IAS में जाएंगे और मजा आएगा, हम भी एक दिन बोल सकेंगे सर हमारा काम करा देना ये। यस सर। और बाकी पापा क्या करते हैं? पापा एडवोकेट है सर। अच्छा नहीं नहीं यार बहुत अच्छा लगा। और बाकी अपनी लाइफ से मैंने देखा अर्जुन आपने आपने बहुत फन से फॉलो किया, सारे काम अच्छे से किए, जीवन में अच्छा ही होता ही है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज PW तो अलग सर का जो थॉट था ना वो तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि यार इतने बच्चे जो नहीं आ सकते कोटा या कहीं और ऑफलाइन नहीं कर सकते, तो आपने ऑनलाइन बैठाकर आपने ऑनलाइन वाला इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म देकर आपने ये काम करा दिया कि आज वो IIT जा रहा है। यस सर बहुत सही। जब भी हमारा रिजल्ट आया नीट में देखा बहुत तगड़ा रिजल्ट, साल जेई में लेके आएंगे अगले साल और तगड़ा लेके आएंगे, टॉप 100 मैं बोल रहा हूँ टॉप 100 में लेके आएंगे अगले साल, तो मेहनत करेंगे प्योर पर। वेरी गुड, बहुत शानदार बहुत शानदार। और कोई बात अपनी इस पूरी जर्नी में कोई ऐसी कोई मोटिवेशनल बात मॉड्यूल या ऐसी कोई बात जो आपको लगता हो सर ये काम बच्चों को जरूर करना चाहिए? सर कंसंट्रेशन सर बहुत सही, और भटकना नहीं चाहिए सर, जैसे मैंने सिर्फ PW पे डिपेंडेंट रहा कहीं और जाने की कोशिश नहीं की, जो लेक्चर्स आए वही किए, उसके अलावा कुछ और करने की ज्यादा कोशिश नहीं करी सर, एक फ्लो में चलते रहना है बस। हाँ। सर रिजल्ट आ ही जाएगा। बिल्कुल, ये मैं क्या देखता हूँ ना अभी एक चीज में देखता हूँ बच्चों में ट्रेंड, फिजिक्स यहाँ कर लेते हैं केमिस्ट्री वहां कर लेंगे मैथ्स वहां कर लेंगे, इससे होता कुछ नहीं है ना, ना वो पाता है ना वो पाता ना वो पाता, मेरे हिसाब से एक फॉलो करें और अच्छे से करें। और मेरी तरफ से दिल से बधाई आपको कि यार अच्छा लग रहा है, एक बच्चा आज कहां से ढूंढता जान था पढ़ के फाइनली इसने अपने आप को इस लायक बनाया, IIT जाने लायक बनाया, बहुत बढ़िया यार शुभांकर, सैल्यूट टू यू। थैंक यू सर।
बहुत बढ़िया, ठीक है तो मिलते हैं विक्ट्री सेलिब्रेशन में, आ रहे हो? ओके सर, कहाँ होगा सर? दिल्ली, 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 नोएडा, आपको कॉल आ जाएगा अभी, नोएडा होगा, ठीक है सर, ठीक है ना? ओके सर, ठीक है, चलिए, है ना? ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, वेलकम बेटा।